करना है, और आप उन बातों को मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते। जो करने को काम बताया वो करते नहीं, और जो मना किया वो रुकते नहीं। तो इसका मतलब आपकी श्रद्धा नहीं, ये अश्रद्धा है। अथवा जो शास्त्र में 100 बातें लिखी हैं, सही बातें हैं, आप उनको शाब्दिक रूप से स्वीकार नहीं करते। अब कोई बात आपको ठीक लगती है तो मान लेते हैं, फिर कोई समझ में नहीं आई तो कहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं है, जबकि है ठीक। आपकी बुद्धि कम है, आपकी योग्यता कम है, आपको समझ में नहीं आ रही और आप मना करते हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो ये श्रद्धा नहीं है, ये अश्रद्धा है। बात ठीक है, प्रामाणिक है, आपकी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, पर शाब्दिक रूप से ये स्वीकार करो बात तो ठीक है, मुझे अभी समझ में नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आई ये बोलो। ये मत कहो कि बात गलत है, बात गलत नहीं है, बात ठीक है, आपकी समझ छोटी है, अभी वो समझ में नहीं आई, आगे चल के समझ में आएगी। तो ये है श्रद्धा का मतलब, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, उसका विरोध मत करो, खंडन मत करो, और बाकी जितनी क्षमता बढ़ती जाएगी उतना समझते जाएंगे, और जितना सामर्थ्य बढ़ता जाएगा उतना पालन भी करते जाएंगे। इसका नाम है श्रद्धा। इसमें समर्पण भी रहेगा? हाँ, वो तो फिर और चीज़ें जुड़ती जाएंगी। समर्पण पूर्वक करेंगे तो और अधिक लाभ होगा, और थोड़े ढीले मन से करेंगे तो कम लाभ होगा। वो तो फिर और भी कई बातें साथ जुड़ेंगी।